हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये टैंकी एक और बनाने लगा हूँ आज मैं। इस टैंकी में ख़ास बात यह है कि ब्लैक स्टिकर, हमने ब्लैक कलर में टैंकी तैयार करनी है और स्टिकर इस पर लगाना है यूनाइटेड 13 मॉडल रेड का। जेन्युइन टैंकी है, जेन्युइन पेंट करने लगा हूँ। सबसे पहले इस पर डंड निकाल के पुटीन लगाई है। स्टील पुटीन का काम करने के बाद अब हम इस पर अस्तर लगाने लगे हैं। प्राइमर आप कुछ कोने के लिए रखेंगे हम तकरीबन आधे से पौना घंटा, फिर उसके बाद इसकी रगड़ाई करके फिर कल पेंट कर लेंगे इसके। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, टैंगी टापों को ब्लैक पेंट कर दिया गया है। खुश्क होने के लिए अब भट्टी में रख दिए हैं। कुछ टाइम हम हीट पे इसे सुखाएंगे। खुश करने के बाद फिर हम इस पर स्टिकर लगाएंगे। ये टापे हैं जी और ये टैंकी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी भट्टी है। इसमें हम चलाएंगे, खुश करेंगे। खुश करने के बाद फिर आपको स्टिकर दिखाते हैं हम। ये चेक करें जी, स्टिकर लग चुके हैं टैंकी पे। पेंट खुश्क होने के बाद हमने चमक डिम की थी। चमक डिम करने के बाद अब स्टिकर लगाए हैं। अब फाइनल कोड इस पे लगेगा वार्निश का। हम दिखाते हैं आपको हम कैसे वार्निश लगाएंगे इस पे। एक घंटा खुश्क होंगे टैंगी टापे भट्टी में। ये आप देख सकते हैं भट्टी चल रही है। खुश्क होने के बाद फिर मैं मोनोग्राम लगा के आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक टैंकी की। और ये टापे हैं जी, इस पे रेड के स्टिकर लगाए हैं ब्लैक टैंकी पे, 2013 मॉडल यूनाइटेड। हाँ जी, तो दोस्तों ये चेक करें जी आप, यूनाइटेड 2013 मॉडल ब्लैक कलर में रेड वाले स्टिकर के साथ तैयार हो चुकी है टैंकी। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इस टैंकी की। और एक नई चीज़ बिल्कुल तैयार हो चुके है, ये साइड कवर देखें, ये भी बिल्कुल ओके हो चुके हैं। वही पुराने वाले साइड कवर मैं आपको अंदर से भी दिखा दूं। ये टैंकी चेक करें, ये माशाल्लाह एक नया मॉडल तैयार हो चुका है। और स्टिकर ब्लैक के साथ ये ग्रीन स्टिकर बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने तैयार किए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।